वहीं कटनी जिले में ढिमरखेड़ा में बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सभी पीड़ित परिवारों को रेस्क्यू कर राहत केंद्र में लाया गया है, जहां पर उनके खाने पीने रुकने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं जाकर जब पीड़ितों से बात की गई तो एक महिला ने बताया कि राहत शिविर में भोजन और बिस्तर और लाइट तक की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे उनको काफी परेशानी हो रही है। बोरी खाती बह चुकी है, तब 20 बोरा गल्ला गया, चावल गया हो गया खराब, सब खराब हो गया है। कुछ खाने पीने को व्यवस्था नहीं है और परस की व्यवस्था नहीं है। हम छत में रात काटते हैं बैठ के। गांव में क्या है कि अपने गांव में पानी भरा के उनसे आया, पूरा मकान बैठ गया है, गल्ला पानी जो रखा रहा तो खराब हो गया है। और पैसा भी रहा 20,000 रुपये, वो भी नहीं है, बह गया सब, पूरे कागजात घर के वो भी नहीं है, कोई सामान नहीं बचा है। ये मुख्यतः ढिमरखेड़ा अंतर्गत ढिमरखेड़ा क्षेत्र, उमरिया पान क्षेत्र और कुछ मात्रा में सलीमनाबाद क्षेत्र के अंतर्गत अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है, जिसमें हमारे लगभग 15 गांव के आसपास गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। और जैसे ही ये परसों रात से जब बारिश शुरू हुई तो सुबह हमारी NDRF की टीम, जिला प्रशासन की टीम, हमारे पुलिस के जवान, इन सभी का एक संयुक्त दल बचाव एवं राहत कार्य में शामिल हुआ। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अलग अलग टीमें उमरिया पान स्तर पर, सलीमनाबाद स्तर पर और ढिमरखेड़ा स्तर पर बनाई गई। इन सभी को सबसे पहले तो निकाला गया सुरक्षित स्थान पर, जो प्रभावित लोग थे, कहीं कुछ लोग अपने घरों के प्रथम छज्जे पर थे, कहीं पर कुछ लोग खेतों में फंसे हुए थे, वहां से उनको NDRF की सुरक्षित नावों से लाइफ जैकेट पहना के गंभीर स्थिति से निकाला गया। उसके बाद उन्हें 5 जो हमारे केंद्र बने हैं सुरक्षित स्थान पर उनको ले जाने के लिए, जो रिहेबिलिटेशन कैंप हैं, वहाँ पर उनको रखा गया है और उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई है, साथ ही उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी की जा रही है। डॉक्टरों की टीम वहां पर तैनात की गई है। जितने भी कैंप हैं हमारे ढिमरखेड़ा 14 गांव हैं, तो हर जगह कैंप की व्यवस्थाएं हैं, भोजन की भी व्यवस्था पूरी है, बिस्तर की व्यवस्था है, लाइट के भी साधन जोड़ रहे हैं धीरे धीरे जनरेटर के माध्यम से, और साथ ही डॉक्टरों के माध्यम से दवाई या कोई ऐसी बीमारी का समस्या होती है वो भी, और भोजन व्यवस्था पर्याप्त रखेंगे। लगभग यहाँ पे 8-10 कैंप के आसपास हैं।